हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आईफोन 13 प्रो हमें क्यों लेना चाहिए दूसरे डिवाइस के कंपैरिजन में, और किस डिवाइस पे अगर हैं तो शिफ्ट करो आईफोन 13 प्रो पे। अगर आप आईफोन 11 या 12 पे हो तो क्या आपको आईफोन 13 की तरफ शिफ्ट होना चाहिए या नहीं। और गाइस, आईफोन 13 सीरीज़ में से आपके लिए कौन सा आईफोन सबसे सूटेबल रहेगा, उस चीज़ को मैं कवर करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, मुझे नहीं पता किसकी कॉल आ गई है, वीडियो अभी शुरू ही हुई है और तंग करने वाले पहले आ गए हैं। तो जोक्स अपार्ट, जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं, आज है मेरे पास आईफोन 13 प्रो और मैं आपको आपकी अगर आपको परेशानी हो रही है डिवाइस सिलेक्शन में, कि अगर आप डिवाइस अपग्रेड कर रहे हैं आईफोन 13 सीरीज़ में से कोई भी आईफोन ले रहे हैं तो आपको कौन सा आईफोन लेना है, आपको दिक्कत हो रही है चॉइस करने में कि आईफोन 13 लूँ या 13 प्रो या 13 प्रो मैक्स लूँ, मतलब ज़रूरी नहीं है कि 13 लेना है, अगर आपकी चॉइसेस के ऊपर डिपेंड है। सबसे पहले बात करते हैं बजट की, क्योंकि यही जो मेन चीज़ है वो हमेशा आपको सबसे पहले रखनी पड़ेगी। अगर आपका बजट में कोई इशू नहीं है तो सिंपली फिर आगे बात करते हैं 13 प्रो या 13 प्रो मैक्स की। और गाइज, अगर आपको डिवाइस जो है, अगर आपको साइज़ में काफ़ी बड़े साइज़ का चाहिए, आप हैंडी हैं, यूजुअली आप बड़े डिवाइस बड़े साइज़ के डिवाइसेस को ही यूज़ करते हैं, तो आप आईफोन 13 प्रो मैक्स की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि मैं एक पहले से ही 2-2.5 साल से आईफोन 10 यूज़र हूँ और आईफोन 10 जो है काफ़ी हैंडी है, आईफोन 6s के साइज़ का ही है यूजुअली। और बाकी आईफोन 10 की अगर मैं कंपेरिजन से बात करूँ, उसको आईफोन 13 प्रो जो है वो सिर्फ उसके जो एजेस जो हैं स्क्वेयर हैं, लेकिन साइज़ एग्जैक्टली टोटली उसके अराउंड नियर अबाउट सेम है, कुछ ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है। और गाइज, इस बार आईफोन 13 सीरीज़ में इन्होंने एप्पल वालों ने आईफोन 13 और 13 प्रो की डिस्प्ले या फिर आईफोन 13 या 13 प्रो के साइज़ को एग्जैक्टली सेम कर दिया है, जिसके कारण अगर आप पहले आईफोन 11 या 12 सीरीज़ लेते थे तो 12 प्रो जो है वो आपको काफ़ी हैंडी साइज़ में सिर्फ 12 प्रो सीरीज़ देखने को मिलती थी। लेकिन गाइज, इस बार आईफोन 13 और 13 प्रो दोनों ही एग्जैक्टली सेम है, डिस्प्ले साइज सेम है, लेकिन डिस्प्ले में आपको फ़र्क बहुत ज़्यादा देखने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आईफोन 13 प्रो है और 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स में हमें गाइस प्रोमोशन डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसका मतलब ये है कि हमें जो है 120 हर्ट्स देखने को मिलेंगी इस डिस्प्ले में, और गाइस लिटरली इतनी ज़्यादा स्मूथ है कि मुझे दूसरे फ़ोन्स चलाने में अब दिक्कत होने लगी है। एग्जैक्टली फ़र्क नोटिस कर सकते हो आप कि इसकी डिस्प्ले इतने ज़्यादा स्मूथ और इतनी ब्राइटर है कि लाजवाब कमाल लेवल, नो वर्ड्स फॉर दिस डिस्प्ले। तो सेकंड चीज़, इसमें हमें बैटरी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव की गई है बैटरी, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं 3000 के आसपास इसका MAH साइज़ है, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी, प्रोसेसर की एफिशिएंसी इतनी है कि बड़े आराम से आपका फुल डे निकाल देगी आराम से, और फिर भी 30-35% तक आपकी जो बैटरी है अवेलेबल रहेगी। और सिंपली गाइज, अगर आप हैवी डे टू डे टास्क करते हो जैसे कि गेमिंग वगैरह, तो आपको दिन में 2 बार बस थोड़ा सा चार्ज करना पड़ सकता है। जैसे आप दिन में 1 बार चार्ज करते हो तो आप दिन में 2 बार चार्ज कर सकते हो अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो थोड़ी बहुत, लेकिन अगर आप यूजुअली नॉर्मल व्हाट्सएप मैसेजेस या 2-3 फोटोज या और कोई फ़ोन कॉल्स यूजेज, तो वो बड़े आराम से आपका जो है फुल डे निकाल देगी। अब गाइस बात करते हैं, अगर आप आईफोन 12 यूज़ कर रहे हैं और आपको एक तरह से क्वेश्चन आ रहा है क्या मुझे 13 की तरफ अपग्रेड करना चाहिए, 13 प्रो सीरीज़ की तरफ या बिल्कुल सारी की सारी 13 सीरीज़ की तरफ, तो गाइज़ ये सबसे पहले चीज़ आएगी कि आपका बजट अगर अलाउ करता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे की, तो आप बिल्कुल बड़े आराम से 13 प्रो की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको बजट वगैरह देख के चलना पड़ता है अपना सारा, तो बिल्कुल भी ना अपग्रेड करो। आईफोन 12 अभी भी वन ऑफ द लेटेस्ट आईफोन में से एक है और उसके कंपैरिजन में 13 प्रो कुछ ही पॉइंट्स आगे है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी सही नहीं समझूंगा कि अगर आप 12 से 13 के ऊपर शिफ्ट होगे, सिर्फ अगर आपको बजट में कोई प्रॉब्लम, मतलब अगर आप बजट देख के चलते हो तो फिर नहीं करना चाहिए आपको। आईफोन 11 से कंपेयर करूं तो गाइस आपको आईफोन 11 से ज़रूर कंपेयर करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास आईफोन 11 प्रो है तो आपको फिर भी एक तरह से 50-50 सोच लेना चाहिए, क्योंकि प्रो लेवल जो फ़ोन है वो अभी भी काफ़ी हाई एंड लेवल है। उसमें भी हमें वाइड एंगल लेंस, पोर्ट्रेट मोड, 2x फोटो जूम में या फिर इस तरह के बहुत सारे कमाल फीचर्स देखने को मिलते हैं, बहुत बड़ी सही बैटरी दी गई है उसमें, और आईफोन 11 प्रो का मदरबोर्ड भी इस तरह का है कि उसमें हीटिंग इशू सबसे कम दिखे हैं आज तक के आईफोन्स में। तो आईफोन प्रो में हमें 11 प्रो में सबसे बेस्ट एक तरह से हीटिंग इशू जो मदरबोर्ड उसका बनाया गया है वो सबसे बढ़िया हीट डिसिपेट करता है। और अगर बात करें आईफोन 10 से, तो गाइज आपको अपग्रेड करना चाहिए 13 प्रो की तरफ, क्योंकि अगर आप 10 के हैबिचुअल हैं, आपको 10 हैंडी लगता है, तो आपको 13 प्रो लेना चाहिए। और सिंपली अगर आपको कैमरा में 2x मोड
या पोर्ट्रेट मोड में अगर आप जाते हो और आपका फ़ोन हमेशा जूम कर देता है, आपको जूम्ड फोटो पसंद है पोर्ट्रेट मोड में, तो आप 13 की तरफ बिल्कुल ना जाना। आपको सीधा सीधा आंसर है कि 13 प्रो ही देखना है। इसी कारण मैंने 13 प्रो लिया है। बाकी मेरा भी बजट वैसे 13 का था, लेकिन सिर्फ कैमरा के कारण, सिर्फ और सिर्फ कैमरा के कारण 2x या 3x जो टेलीफोटो लेंस है उसके कारण मैंने 13 प्रो बाय किया है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि अगर मैं 13 ले लेता तो मुझे बार बार रिग्रेट होना था कि मुझे जस्ट थोड़े बहुत और पैसे बढ़ने थे। क्योंकि इतना बजट अगर हम स्पेंड कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि थोड़ा हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो बिल्कुल थोड़े बहुत और पैसे डाल के आप 13 प्रो की तरफ जा सकते हो, अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है इतने ज़्यादा बजट एक्सटेंड करने से। सो सिंपल गाइज, ये हैं 5 रीजंस कि आपको आईफोन 13 सीरीज किन लोगों को बाय करनी चाहिए। 12 वाले बिल्कुल भी ना बाय करें अगर उनको बजट देख के चलना पड़ता है। बाकी 11 वाले कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जो प्रो वाले फ़ोन्स हैं उनको अगर आप बीच में एक्सचेंज वगैरह कर रहे हो तो आपको काफ़ी सही डिस्काउंट ऑफर मिल सकते हैं, तो वो भी एक तरह से चेकआउट कर सकते हो। बाकी स्पेशली अगर मेरी सीधी सीधी सी बात है कि जिसको बजट प्रॉब्लम नहीं है वो बड़े आराम से आज जाकर ले आए, लेकिन जिसको बजट देख के चलना पड़ता है वो सबसे पहले एक तरह से अपने सारा डेटा बजट का निकाल के फिर इसको कंसिडर करना सही समझें। सो गाइज, आई होप आपको ये सारी कन्फ्यूजन जो है क्लियर हो गई होगी कि किन लोगों को अपग्रेड करना चाहिए। और अगर आप आईफोन 13 यूज़र हो और प्रो लेने की सोच रहे हो तो सीधी सीधी सी बात है कि आपको बजट की कोई दिक्कत नहीं है तो ही आप ये स्टेप उठाने जा रहे हो। बाकी आप सोच सकते हैं प्रो जो मॉडल है वो काफ़ी कमाल का है और एप्पल ने एक तरह से लाजवाब चीज़ बनाई हुई है। सो गाइज, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।